जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा हमारी लग्न कुंडली के नवमेश को लेकर चल रही है कि नवमेश अपनी दशांतर दशा में आपको कैसा फल देता है। और मेरी कोशिश साथ में ये रहती है कि अलग अलग भावों में वो कैसे रिजल्ट्स आपको देने वाला है अपनी दशांतर दशा में, इसकी भी विस्तृत जानकारी आपको साथ में देता चला जाऊं। अगर शुक्राचार्य जो कि कन्या लग्न की कुंडली में नवमेश हैं, वो अलग अलग भावों में कैसा रिजल्ट देते, कल तक हमने चर्चा की थी कि आठवें भाव में शुक्राचार्य कैसा रिजल्ट आपकी कुंडली में देने वाले। और प्रिय दर्शकों, जो भी जातक हमारे इस एपिसोड को किसी कारणवश ना देख पाएं, वो डेली YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर शुक्राचार्य कुंडली में नवम भाव में पड़े हों, ओन साइन के नवम भाव में ओन साइन के अगर शुक्र देवता पड़े होंगे, तो यहाँ एक बहुत बड़ा राजयोग बनेगा। ऐसे जातक की कुंडली हम देखते ही कहते हैं कि जातक बड़ा भाग्यवान है जी, आपका बच्चा बहुत भाग्यवान है। उसका सबसे मुख्य कारण ये होता है कि शुक्र देवता भाग्य भाव में ओन साइन का आ गया है, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में आ गया, अपने ही साधारण राशि में और कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में आ गया। जितना डिग्री वाइज क्षमता में होगा, जितना उसमें बलाबल होगा, उतने प्रतिशत वो पॉजिटिव फल हमें अपनी दशांतरा में देता अवश्य मिलेगा। पिता से बहुत ज्यादा सपोर्ट उसे मिलेगी, पिता से बहुत ज्यादा बनती होगी, धर्म को मानने वाला होगा, विदेश यात्रा होगा और जातक धार्मिक प्रवृत्ति वाला भी होगा। यहां से शुक्रदेव ने जितनी दृष्टि डाली तीसरे भाव पर, छोटे भाई बहन की सपोर्ट मिलेगी, छोटी मोटी यात्राएं अवश्य होंगी, छोटी मोटी यात्राएं करके भी जातक को लाभ अवश्य होगा और छोटे भाई बहन की सपोर्ट के साथ भी जातक तरक्की अवश्य कर लेगा शुक्र की दशांतर दशा में। दर्शकों, यही शुक्र देवता अगर कुंडली के दशम भाव में पड़े हो, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आ गया, त्रिकोण के स्वामी का केंद्र में आना शुभ माना जाता है इस अवस्था में। अगर दशम भाव में शुक्र पड़े होंगे तो शुक्र देव की दशा अंतर दशा में कामकाज में वृद्धि होगी, कामकाज के नए रास्ते खुलेंगे, कामकाज में एडिशन होगा। अगर जातक जॉब करता हुआ तो जॉब में जातक का प्रमोशन भी होगा और जातक के कामकाज में नई एडिशन करके जातक का धन का आगमन का रास्ता भी कहीं ना कहीं खुलेगा। तो दशम भाव संबंधी यानी कामकाज संबंधी कर्म संबंधी हमें सदैव लाभ मिलेगा। यहां से शुक्रदेव ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली, चौथे भाव पर डाली हुई दृष्टि माता से बहुत ज्यादा लगाव रखेगी। गाड़ी भूमि वाहन मकान अगर लेने वाला हुआ तो शुक्र की दशा अंतर दशा में वो जातक अर्जित जरूर कर लेता है, क्योंकि शुक्र वैसे भी इन सारी भोग योग वस्तुओं का कारक है। घड़ी, मोबाइल, कपड़ा, जूते, जो भी चीज़ें हम अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, उनका कारकत्व का तत्व कहीं ना कहीं शुक्राचार्य के पास माना जाता है। तो अगर शुक्र की दशा अंतर दशा चलेगी और उसकी चौथे भाव पर दशम भाव से दृष्टि पड़ेगी तो चौथा भाव जो हमारा सुख स्थान कहा जाता है, तो सुखों में वृद्धि करने में सदैव शुक्राचार्य सहायक होंगे। जितना भी कोई पुरानी इच्छा उसकी चीज नई लेने की हुई या गाड़ी लेने की हुई या मकान लेने की हुई, तो शुक्र की दशा अंतरा में सदैव उसे वो मिलेगी अवश्य। दर्शकों, यही शुक्राचार्य अगर कुंडली के ग्यारहवें भाव में पड़े होने से बड़े भाई बहन की पूर्ण सपोर्ट मिलेगी, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम होंगी तो वो चली अवश्य जाएंगी और धन का आगमन कहीं ना कहीं से होता ही रहेगा। एक बात और याद रखेगा, धन का मालिक लाभ में और लाभ का मालिक धन में आना एक बहुत अच्छा योग बनाता है। तो यहाँ धन का मालिक का लाभ में आना सदैव शुभ कार्य होता है, तो लाभ की कमी कभी नहीं आती। जातक के पास कहीं ना कहीं से धन का आगमन होता ही रहता है, वो जितने एफर्ट्स करता है उसके रिजल्ट उसे अवश्य मिलते हैं, भाग्य उसका पूर्ण साथ देता है। यहां से जितनी दृष्टि पंचम भाव पर डाली, संतान सुख से परिपूर्ण करता है, पुत्री का योग अवश्य बनाता है, लवर मास में कामयाबी देता है, जातक को एक आर्टिस्टिक नेचर का बना देता है, अनसर्टेन गेन्स होते हैं। अनसर्टेन गेन्स होने के साथ साथ जातक
चौतरफा लाभ अर्जित कर लेता है। जस्ट लॉटरी जुए सट्टे में कहीं ना कहीं से उसे अनसर्टेन गेन होने का भी योग बनता है। यहां से शुक्रदेव ने जितनी पंचम भाव पर दृष्टि डाली तो पंचम भाव संबंधी पूर्ण जातक को लाभ सारे अवश्य मिलते हैं। माइंड विल पार मेमोरी पार को भी स्ट्रॉन्ग करने में शुक्र की डाली हुई सातवीं दृष्टि जो पंचम भाव पर होगी वो सदैव लाभान्वित ही करती मिलेगी। दर्शकों यही शुक्र अगर कुंडली के बारहवें भाव में पड़े होने से यही शुक्र देवता अपनी दशांतर दशा में सदैव कष्ट देते मिलेंगे। हालांकि बारहवें भाव में वो दिग्बली हो जाता है, लेकिन फिलहाल आप इसका मार्केत्व समझ के चलिए। बारहवें भाव में पड़े हुए शुक्र देवता फजूल का खर्च करवाएंगे, विदेश सेटलमेंट करवा सकते हैं, अस्पताल के खर्चे करवा सकते हैं और जातक को सदैव कष्ट देते मिलेंगे। जातक सदैव अपने खर्चों से ही परेशान रहता है क्योंकि धन का मालिक भी उठ के व्यय में आ गया। आता 10,000 है, जाता 11,000 है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा होता कि मैं कहाँ से इसको पूरा करूँ। यहाँ से जितनी शुक्र देवता ने दृष्टि छड़े बाप पर डाली तो रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा कोर्ट केस लिटिगेशन में फंसा करके जातक के लिए नित नवी मुश्किलें खड़ी करती मिलेंगे। हाउस ऑफ कंपटीशन में भी जातक सक्सेस कभी गेन नहीं कर पाएगा। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना कि जितनी दृष्टि द्वादश भाव से छठे भाव पर डाली तो छठे भाव संबंधी भी पूर्णता अशुभता के ही रिजल्ट देगा। और यहाँ आपने गलती ये कर ली कि शुक्र का कोई भी रतन धारण कर लिया जो बारहवें भाव में पड़ा होगा, ये सोचकर कि वो बलहीन हो गया है और आपका भाग्येश का बलहीन होना उसका उपाय रतन धारण करना है, तो यहाँ सबसे बड़ी कैलकुलेशन की गलती होगी। द्वादश भाव में पड़ा हुआ शुक्राचार्य का रतन कभी धारण नहीं करना है, उसको सदैव पाठ पूजन करके ही, सिमरण करके, व्रत करके, आरती करके, नमन करके उसके आगे ही सदैव अच्छा किया जा सकता है, सदैव उसके नेगेटिव प्रभाव को शांत किया जा सकता है। शुक्र से जुड़े हुए रिश्तों को सुधार करके ही शुक्र की दशा अंतरदशा के जो नेगेटिव प्रभाव आपकी बॉडी में आ रहे हैं, जितने आप कष्ट झेल रहे हो उन कष्टों से फारिग होने का रास्ता ढूंढा जा सकता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि अगर ग्रह कुंडली का त्रिकोण भाव का स्वामी है तो ये जरूरी नहीं कि सदैव उसका एक उपाय उसका रतन धारण करना ही होगा। बहुत सारे केसेस में, बहुत सारी गलत प्लेसमेंट्स में आने की वजह से उसका पाठ पूजन करना अति अनिवार्य होता है, उसका सिमरण करना अति अनिवार्य होता है, उसका व्रत उस दिन का, जैसे मान लीजिए यहां शुक्राचार्य अगर नवमेश हैं तो शुक्रवार का व्रत करना, शुक्रवार की आरती करना ही अनिवार्य होता है, तब जाकर के शुक्र अपना नेगेटिव प्रभाव कम कर पाता है अगर शुक्र का अशुभ प्रभाव में विराजमान हो कुंडली में। शुक्र की गलत भाव में प्लेसमेंट होने से उसका रतन कभी धारण मत कीजिएगा। हाँ, एक अस्त अवस्था को छोड़कर अगर गलत भाव में शुक्र देवता उदय अवस्था में पड़े होंगे तो आप अगर गलती से भी उसका रतन धारण करते हैं तो मुसीबत आप स्वयं पैसे खर्च करके मोल लेंगे और आपको ये समझ नहीं आएगा कि हमने पैसे भी खर्च कर दिए बजाय हमारी तकलीफें कम होने के और बढ़ती चली जा रही, क्योंकि ग्रह वही होता है प्रिय दर्शकों, लेकिन उसकी प्लेसमेंट ये डिसाइड करके हमें बताती है कि वो अच्छा हुआ या बुरा हुआ। अगर ग्रह त्रिकोण का स्वामी है वो तब तक अच्छा फल नहीं देगा जब तक वो कुंडली में अच्छे भाव में ना पड़ा हो, अच्छा बलाबल लेकर के ना पड़ा हो। अगर इन दो कड़ियों में से एक भी चीज हिल गई तो कभी ग्रह शुभ फलकारी नहीं होता। अगर ग्रह अच्छे भाव में ना पड़ा होगा तो कभी अच्छा फल नहीं देगा। अगर अच्छे भाव में पड़ा हुआ और डिग्री व क्षमता में ना हुआ तो भी किसी कीमत पर कदापि वो शुभ फलकारी नहीं होगा। और आपको ये समझ नहीं आएगा कि मेरी तो जी योग कारक की दशा चल रही है, मुझे तो फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा। उसका मुख्य कारण यही होता है कि हम विवेचन करने में गलती करते हैं। जहां भी ये गलती होगी वहां कभी सटीक कैलकुलेशन हम कर ही नहीं पाएंगे। ये गलती करना हमारी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि ये दो चीजें ही कुंडली विवेचन का नींव है कि ग्रह जिसकी महादशा चल रही है वो कुंडली में मारक है या कारक है, वो कुंडली में किस भाव में पड़ा है और कितने बलाबल लेकर के पड़ा है।
अब बहुत सारे दर्शक इस प्रोग्राम को देखते हुए, इस प्रोग्राम को काफ़ी लंबे समय से देखते, इस बात की विवेचन करते हुए सही ढंग से इसे समझने लगे हैं कि ग्रह का देखना अति आवश्यक है। कभी भी लगन कुंडली को देख करके किसी भी चीज़ की कैलकुलेशन नहीं की जाती, हमेशा लगन कुंडली में पड़े ग्रहों का प्रभाव देख करके फिर कैलकुलेशन की जाती है कि कुंडली किस लेवल की है और क्या आउटपुट कैसे देने वाली। अगर हम इसमें विवेचन में करने में गलती करते हैं तभी हमारी कुंडली में सटीक प्रेडिक्शन नहीं निकल पाती। कुंडली हमारी जिंदगी का एक आईना होती है, लेकिन इस आईने में आप तभी अपना आंख सही ढंग से देख पाएंगे जब आपको बेसिक कैलकुलेशन करने के सही नियम पता होंगे। सही नियम ये 2-3 चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, इसे समझ लीजिए, इसे जान लीजिए, इसका ज्ञान होना ही आपका सही विवेचन करने का स्तंभ होगा। कि ग्रह अगर गलत भाव में प्लेस्ड होगा तो कभी उसका रतन धारण करके उसे एक्टिवेट मत कीजिएगा अस्त अवस्था को छोड़कर। अगर ग्रह उदय अवस्था में गलत भाव में होगा तो आप प्रैक्टिकली अपनी कुंडली उठा करके देख सकते हैं, वो सदैव नेगेटिव रिजल्ट ही देता मिलेगा, चाहे वो फिर त्रिकोण का स्वामी ही क्यों ना हो। अगर गलत भाव में प्लेस्ड हुआ तो वो कष्ट देता मिलेगा और फिर आपको समझ नहीं आएगा कि मेरी तो जी ये योग कारक की दशा है, मेरी तो भाग्येश की दशा है, मेरी तो शुक्राचार्य की दशा है, और शुक्राचार्य पड़े भी मेरे तो लग्न में है। अब इस कुंडली में लग्न में पड़े होंगे तो सदैव नीचता के फल देंगे। तो यहाँ अगर ये समझ में आ गया कि वही योग कारक ग्रह आपको कितना नेगेटिव रिजल्ट देने वाला है, फिर आपको ये समझने में बहुत आसानी होगी कि अब आपको उपाय कौन सा करना है और उसे कैसे फॉलो किया जाना चाहिए ताकि आपके रिजल्ट्स में पॉजिटिविटी आ पाए और ये विद्या आपको सही जीवन जीने में मददगार सिद्ध हो। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं हमारी नवमेश की दशाओं के बारे में मैंने अलग अलग भावों में विस्तृत जानकारी देता चला आया हूँ। आप में से जिसका भी लगन कुंडली में जो भी नवमेश हो, चाहे वो मेष लगन, वृष लगन, मिथुन लगन, कर्क लगन, सिंह लगन, कन्या लगन में हो, तो कम से कम अपने नवमेश ग्रह को, जैसे मान लीजिए मेष लगन हो तो नौवें भाव का स्वामी बृहस्पति बना, तो बृहस्पति वार को अपने गुरु को प्रणाम अवश्य करें ताकि आपका भाग्य साथ दे। और ये कोई भी कर सकता है, प्रणाम करना सदैव सहायक सिद्ध होता है। हाँ, कुंडली में वो किस स्टेटस में पड़ा है वो एक अलग इशू है, लेकिन गुरु को प्रणाम करने से मेष लगन वालों के लिए सदैव बृहस्पति देव शुभ फलकारी होंगे, वो गुरुवार को अवश्य ही प्रणाम करें, उससे लाभान्वित होंगे। वृष लगन वाले शनिदेव को प्रणाम करें शनिवार को, मिथुन लगन वाले भी शनिदेव को प्रणाम करें, कर्क लगन वाले भी अपने गुरुदेव को प्रणाम करें, सिंह लगन वाले भी मंगल देवता बजरंग बली को प्रणाम करें, उनके आशीष अपने साथ जोड़ें, उनका आशीर्वाद लें ताकि भाग्य उनका साथ दे। और आज हमने बात की कन्या लगन की कुंडली की, कन्या लगन की कुंडली वाले शुक्रवार को शुक्राचार्य को प्रणाम जरूर करें। मॉर्निंग टाइम नाश्ते से पहले अगर शुक्र देवता का धन्यवाद करें, उन्हें प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें, तो वो लिया हुआ आशीर्वाद हमारे जीवन में रक्षा कवच के समान काम करता है और हमारा भाग्य हमारा साथ दे करके हमारा जीवन यापन आसान करने में मददगार जरूर सिद्ध होता है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना कि आप अपने भाग्य के स्वामी को प्रणाम करके भी, उनका आशीर्वाद लेकर के भी अपना जीवन यापन आसान कर सकते हैं। अगर आप अपने भाग्य भाव के स्वामी को निरंतर प्रणाम करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं भाग्य आपका साथ देने वाला अवश्य बनता है और अपनी कृपा दृष्टि आप पर अवश्य बनाता है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ, उन सबके लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। Thank you.